Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा. I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है. ये पे गए बालाज. तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. राइटर तनु एंकर नितिन दहिया मेड इन चाइना हथियार मिले जंगल में. हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में. इंडियन आर्मी की बहादुरी और बलिदान के जितने किस्से हमारे सामने आते हैं उनसे कहीं ज्यादा किस्से ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोल्जर्स को पता होते हैं. और एक ऐसे ही माइंड ब्लोइंग एनकाउंटर की कहानी एक सोल्जर की जुबानी हमें सुनने को मिली है जो अभिनव ने अपने चाचा जो कि एक सोल्जर हैं उनसे सुनी है. ये कारगिल वॉर खत्म होने के कुछ महीनों बाद 1999 की बात है. उस वक्त वो सोल्जर गोरखा रेजिमेंट में एक में थे. वॉर के हाल ही में खत्म होने की वजह से सभी सोल्जर्स को एक मच डिजर्व्ड ब्रेक दिया जाता था और ज्यादातर सोल्जर्स अपने घर के लिए निकल चुके थे, लेकिन कुछ सोल्जर्स अभी बेस में ही थे. अभिनव के चाचा वहीं रुके थे और वो अगले दिन घर लौटने की तैयारी कर रहे थे. तब उन्हें एक कॉल आया जिसमें उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके आसपास के एक टेररिस्ट हाइड आउट होने की रिपोर्ट मिली है. उन दिनों जम्मू कश्मीर आतंकवादियों का अड्डा था. एलओसी फेसिंग की कमी और अनप्रॉपर बॉर्डर के कारण घुसपैठों का आना आम बात थी. भले ही युद्ध जीत लिया गया था पर इंडियन आर्मी के लिए एक बड़ी चुनौती सामने थी. इंडियन टेरिटरीज से आतंकवादियों को बाहर निकालना था. इन्फॉर्मेशन मिलते ही उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया जो कि ज्यादा नहीं थे क्योंकि ज्यादातर घर जा चुके थे. ऑपरेशन एरिया गांदरबल जिसे एक चट्टान से दूर घने जंगलों में था. अभिनव के चाचा और उनकी 11-12 जवानों की टीम हथियार और बारूद लेकर निकल पड़ी और उस सस्पेक्ट्स हाइड आउट तक पहुंचने के लिए उन्होंने 2 दिन की चढ़ाई की थी. जंगल इतना घना था कि पास पास के 2 कार्निफर्स यानी पेड़ जो कोन की शेप में होते हैं इसके बीच में 2 से 3 फीट का फासला था. वो लोग मंदिर से बस घंटे की दूरी पर थे जब एक सैनिक ने जमीन पर कुछ अनयूजुअल देखा. जमीन पर एक चॉकलेट का रैपर पड़ा था जो कि अनयूजुअल पैकेट इसीलिए था क्योंकि किसी के लिए चॉकलेट खाने के लिए इतने ऊंचे घने जंगल में आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है. जो पॉसिबल हो सकता है कि अगर वहां पर कोई टेररिस्ट आया हो. अभिनव के चाचा ने कहा कि इस तरह के रैपर्स का मिलना बहुत आम बात है क्योंकि आतंकवादी महीनों तक सरवाइव करने और इंसर्गेंसी ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए अपने साथ बहुत सारे सूखे मेवे और चॉकलेट रखते हैं. सोल्जर्स के लिए वेपर्स एक लीड थी. जरूर यहाँ कोई ना कोई तो है. ये तो था. वो पूरे अलर्टनेस के साथ चढ़ते रहे और आखिरकार घंटों के भीतर वो लोकेशन पर पहुंच गए. आसपास कुछ नहीं था, सब कुछ एकदम शांत था. जवानों ने इतनी अच्छी तरह से जांच की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. उन्होंने इसे एक फ्यूटाइल यानी एक ऑपरेशन समझा और वापस लौटने के लिए सोचने लगे. लेकिन तभी अचानक अभिनव के चाचा की नजर एक कटे हुए पेड़ पर पड़ी. कटे हुए पेड़ का जंगल में मिलना नॉर्मल है लेकिन अगर ये गांदरबल के जंगल में मिलना नॉर्मल नहीं क्योंकि किसी गांव वाले की इतनी ऊंची चट्टानों पर चढ़ना, इतने घने जंगल में आकर और एक पेड़ काटने की ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है. ये तो शातिर इरादों वाला आदमी ही कर सकता है. अभिनव के चाचा सोल्जर को तना उखाड़ने का आदेश दिया तो सरप्राइजिंगली वो तना जड़ों से जड़ा हुआ नहीं था. अब ये यकीन हो गया था कि नीचे कुछ है. उन्होंने मिलकर वहां हाथों से खोदना शुरू किया. वो लोग खोदते गए 3-4 फीट 5 फीट खोदना लेकिन कुछ नहीं मिला. सिपाही थक चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और खोदते रहे. लेकिन तभी हाथ किसी चीज से टकराया. ये देखकर उनके हाथ और तेज हो गए और वो 6 फीट तक खोद देते हैं. तब जाकर उन्हें प्लास्टिक दबा हुआ मिलता है. फौरन सभी पैर पर खड़े होते हैं और प्लास्टिक कवर को खींचकर बाहर निकाला और उस कवर के नीचे भी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के AK-47, 56 मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, SMGs और कई अन्य हथियार जिन पर मेड इन चाइना लिखा हुआ था. और ये इतने ज्यादा हथियार थे कि उसे वापस बेस तक ले जाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ा. हालांकि उन्हें एक भी टेररिस्ट नहीं मिला, ना ही कोई गोली चली. ऐसा कहा जाता है कि टेररिस्ट को इस तरह के छापे की इन्फॉर्मेशन पहले ही कुछ लोकल गांव वालों से मिल गई थी, इसलिए उन्होंने अपने हथियारों को छिपा दिया और पेड़ का तने का निशान के रूप में छोड़ दिया और भीड़ के साथ घुल मिल गए. उन्हें क्या पता था जब एक सिचुएशन नॉर्मल होने पर वो वापस आएंगे उनका सारा सामान गायब हो चुका होगा. इस बड़ी मछली को भारतीय सेना के इतिहास में सबसे बड़ी पकड़ एक माना जाता है. इस खबर की कोई नेशनल या इंटरनेशनल रिपोर्टिंग नहीं थी, ना ही सेना ने कभी इस कहानी पर प्रकाश डाला. शायद इसीलिए कि
ये एक फौजी की जिंदगी का एक और आम दिन था। हो सकता है ऐसा ही कोई इंसिडेंट हमें रैम्बो फिल्म में भी देखने को मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।